आज दुनिया में चेंज लाने की ज़रूरत है। पिछले कुछ दिनों से सिर्फ रोज़ की अखबार ही चेक कर लो, हर रोज़ एक बात पूरी नहीं होती तो दूसरी बात शुरू हो जाती है, और हर बात में वातावरण में वाइब्रेशन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, राइट? इसको बदलना, दैट इज़ न्यू ईयर, नया साल, मतलब वाइब्रेशन चेंज हो। हर रोज़ की अखबार कुछ ऐसा बताए कि वाइब्रेशन हमारे ऊपर ऊपर और ऊपर ही लेकर जाए। तो इस वाइब्रेशन को ऊपर लेके जाने के लिए चेंज तो किसको क्रिएट करना पड़ेगा? चेंज तो हमसे क्रिएट करना है ना। एनवायरनमेंट कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं। वाइब्रेशंस कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बाहर कुछ चेंज होगा तब हम चेंज होंगे। इट हैज़ टू बी कि हम कुछ चेंज करेंगे तो बाहर होगा। तो एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं और अपने लिए चेक करते हैं कि हम अपने अंदर, पर्सनल, सबका नहीं सोचना, अपने लिए पर्सनल, कि मैं आत्मा अपने अंदर कोई एक चेंज जिससे मेरी वाइब्रेशन, मेरी एनर्जी ऊपर की तरफ, प्योरिटी की तरफ, पावर की तरफ, मेरी अपनी एनर्जी, तो मुझे अपने सोचने के तरीके में, बात करने के तरीके में, व्यवहार करने के तरीके में कोई एक चेंज सिलेक्ट करें। कौन सा एक चेंज जिससे मेरी एनर्जी बढ़ती जाए, मेरे घर की एनर्जी बढ़ती जाए, मेरे परिवार की एनर्जी बढ़ती जाए। 1 change in myself, मेरे अंदर चेंज। सिचुएशंस के बारे में मेरा सोचने का तरीका, रिश्तों में मेरा सोचने का तरीका, परिवार का ध्यान रखने में मुझे अपने सोचने के तरीके में क्या चेंज लाना है, क्योंकि मेरी एनर्जी घर की एनर्जी बनाती है, मेरी एनर्जी इस सृष्टि की एनर्जी को कंट्रीब्यूट करती है। मेरे अंदर का चेंज सबको बेनिफिट करेगा, सृष्टि को बेनिफिट करेगा। 1 change। नया मैं, न्यू मी, मेरे अंदर नवीनता, और आज से वो चेंज मुझे यहाँ से पक्का करके जाना है। दिस इज द न्यू मी। चूज कर लिया हो तो हाथ उठाए। हमने अपना सिलेक्ट कर लिया क्या नया करना है अपने अंदर, तो हाथ उठाओ। जिसने सिलेक्ट कर लिया तो हाथ उठाओ। औरों के बारे में तो नहीं सोच रहे थे, औरों के बारे में तो नहीं सोच रहे थे। अच्छा, तो सिलेक्ट किया मेरे अंदर मुझे क्या चेंज लाना है। यस, जो हमें बाहर एनर्जी दिख रही है वो एक एनर्जी है, चाहे वो एक एनर्जी ऑफ अग्रेशन है, चाहे वो एक एनर्जी ऑफ क्रोध है, चाहे वो एक एनर्जी ऑफ लोभ है, ये एक एनर्जी है
जो एनर्जी है एक शहर में, एक देश में या पूरी सृष्टि पर, वो किसका रिजल्ट है? उसमें रहने वाले सारे लोग, लोग जो आज दिन तक हम सुनते आए, पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांच विकार। तो पांच विकार किसके अंदर? मुझ आत्मा के अंदर। आज इस सृष्टि पर हर इशू जो चल रहा है, हर इशू, कोई भी बात देख लो इस सृष्टि पर, वो इस पांच विकारों के अंदर से है, वो इस पांच विकार के अंदर से है। और अगर हमें सृष्टि पर से उस प्रॉब्लम को हटाना है, तो वो प्रॉब्लम बाहर नहीं हट सकती है। हमें उसका जो रूट है, वो रूट है कि वो मनुष्य आत्मा के मन के अंदर का वो विकार। अगर अंदर काम विकार होगा, तब सृष्टि पर ऐसे काम होते हैं। जब अंदर क्रोध होगा, तो सृष्टि पर ऐसे काम होते हैं। जब अंदर लोभ होगा, तो सृष्टि में करप्शन है। एवरीथिंग इज एन ऑफशूट ऑफ वो हमारे पांच विकार। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो सब ठीक हो जाए, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, प्रकृति भी ठीक हो जाए। वो प्रॉब्लम बाहर से अंदर नहीं थी, अंदर से बाहर थी, दुनिया से मेरे पे नहीं थी, मेरे से दुनिया में थी। तो अगर बाहर से अंदर को ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो ठीक होने के बजाय और एग्जैजरेट हो रहा है। तो हमें उसको बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर। तो जब हम अपने अंदर एक चेंज भी लाते हैं, हमें वो याद रखना होगा कि वो मेरा एक चेंज एक्चुअली सिर्फ मेरा नहीं रहेगा, क्योंकि जो चेंज हम अपने अंदर लाते हैं, वो हमारी एनर्जी फील्ड के अंदर चेंज आ गया। अगर हमने अपने अंदर से गुस्सा हटाया, तो हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया कि हम सृष्टि से गुस्सा कम करने का कॉन्ट्रीब्यूशन ये मेरा। जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है, तो हर एक कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ना, तब एक प्रोजेक्ट पूरा होगा। तो हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस दुनिया को बदलने में? हम सिर्फ बैठ के टीवी के सामने ये नहीं कह सकते, ओ देखो दुनिया कैसी हो गई, ओ देखो दुनिया कैसी हो गई। फिर हम कहेंगे दुनिया को कौन बदलेगा, ये बदलेंगे, ये बदले। हमेशा उंगली कोई ना कोई के ऊपर, ये लोग को कुछ करना चाहिए, ये लोग को कुछ करना चाहिए। कोई भी एक वर्ग के कुछ भी करने से दुनिया नहीं बदलेगी। कोई एक वर्ग पूरी सृष्टि को नहीं संभाल सकता है। इट हैज़ टू बी मैंने क्या करना है इसके लिए, मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जब हम अपने अंदर यहाँ चेंज लाते हैं, सबसे पहला इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? सबसे पहला बेनिफिट किसको मिलेगा? हमें खुद को मिलेगा। फिर वो बेनिफिट किस तक पहुँचेगा? फिर वो हमारी इमीडिएट फैमिली, क्योंकि वो हमारे संग में रहते हैं। फिर वो बेनिफिट कहाँ चलेगा? जहाँ हम वर्क प्लेस पे जाते हैं, फिर हमारे शहर दे, फिर वो रिपल इफेक्ट के साथ वो वाइब्रेशन फैलती जाती है। अब वो वाइब्रेशन जिसको भी टच करेगी, आपकी एनर्जी फील्ड की वाइब्रेशन जिसको भी टच करेगी, वो उसके अंदर एक चेंज लेकर आएगी।